नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस ताजातरीन खबर पर एक नजर। चार वर्ष होने के बाद भी अधिकारियों द्वारा मऊरानीपुर नगर पालिका परिषद गौशाला की जांच पूर्ण नहीं होने पर गौ सेवकों द्वारा जिला अधिकारी को संबोधित ज्ञापन उप जिला अधिकारी को देकर दोषियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की गई। प्रार्थना पत्र में बताया गया कि नगर पालिका परिषद मऊरानीपुर ने 2017 में आसपास के गाँव के 15,000 गौवंश इकट्ठा कर गौशाला में रखे थे, जिनमें भारी संख्या में भूख प्यास से गौवंश ने दम तोड़ दिया था, जिनको गौशाला में ही दफन कर दिया गया था एवं भारी संख्या में गौवंश को बेच दिया गया था। उक्त मामले की जांच के लिए मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारी को आदेशित किया था। तत्कालीन जिला अधिकारी ने गौशाला का निरीक्षण भी किया था एवं अधिकारियों की कमेटी गठित कर जाँच रिपोर्ट शीघ्र देने को कहा था, लेकिन अभी तक ना ही जाँच रिपोर्ट सामने आ रही है, ना ही आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। उक्त मामले में शीघ्र कार्रवाई नहीं किए जाने पर जनसेवक एवं गौ सेवक आयुष श्रीवास ने उप जिला अधिकारी अंकुर श्रीवास्तव को ज्ञापन देकर आरोपियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की, अन्यथा धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए मऊरानीपुर से जगदीश की रिपोर्ट। आज जो आपके द्वारा यहाँ पर उप जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है, किन मांगों के अनुसार आपका ज्ञापन है, क्या शिकायतें रही हैं आपकी? आज का ज्ञापन हमारा मऊरानीपुर की कुछ समस्याओं के लेकर है और यहाँ पर मेन हमारा ज्ञापन जो रहा है उसमें यहाँ 2017 में यहाँ के जो पूर्व विधायक और यहाँ के वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष हरीश चंद्र, उनकी भाभी थी जो पूर्व विधायक रश्मि आर्य जी, उनके कार्यकाल में आचार संहिता लगने के कुछ घंटों पहले यहाँ पर एक हिंदुत्व का वोट बैंक पाने के लिए एवं गौ तस्करी करने के उद्देश्य से मऊरानीपुर नगर पालिका की धनराशि से प्रशासन और विधायक रश्मि आर्य जी की सहयोग से यहां पर एक गौशाला का निर्माण कराया गया था। जैसा कि आप सभी को इसकी जानकारी है, उस गौशाला में हम सब नगरवासियों के देखने के अनुसार उसमें 20,000 के लगभग गौवंश क्षेत्र से व ग्रामीण एरिया से नगर से वहाँ पर लाए गए और गौवंश को रखने के बाद वहाँ से इन लोगों ने गौवंश की तस्करी चालू की। तस्करी के साथ जो बूढ़े गौवंश थे, बीमार गौवंश थे, वो उनको भूख प्यास से तड़प तड़प के जिनकी मृत्यु हो गई गौवंश की, वहाँ पर उनको बड़े बड़े गड्ढे खोद के वहीं गौशाला में दफना दिया गया। ये घटना 2017 की है और उस घटना से अभी तक लगभग 4 साल होने को हैं। इस विषय में नगर के कई लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, शिकायतें करी, ज्ञापन दिए और लगातार सब करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन और जो भी जांच अधिकारी वहां जांच करने के लिए आते हैं इसका खुलासा नहीं कर पाए। मैं आपके मीडिया के माध्यम से, माननीय आज हमने उपजिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और भी मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है और प्रशासन के कई अधिकारियों को ज्ञापन दिया है। हमारी मांग उसमें इतनी है कि आप अगर अभी आधे घंटे में वहाँ गौशाला पहुँच कर जहाँ हम लोग बताएं वहाँ गड्ढे खुदवा के देख लीजिए, तुरंत आपको वहाँ पे हज़ारों की संख्या में कंकाल गौवंश के निकालने को मिल जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। जब हम सब साक्ष्य हैं उसके, नगर के देखा है हम लोगों ने गौशाला में जिस तरीके से सरकारी धन से, नगर पालिका की धनराशि से उसमें उनके खान पान की जो व्यवस्था करनी थी गौशाला में गौवंश की, उसकी व्यवस्था ना करके उन्होंने जो जनप्रतिनिधि थे जिनके कार्यकाल में ये बनाया, उन्होंने अपने हित में इस पूरे पैसे को इस्तेमाल किया और धोखा दिया मऊरानीपुर की जनता को एवं कई हज़ारों गौवंश को इन्होंने मारा, वहाँ पर हत्या की। अभी आपको जैसा सभी मीडिया कर्मी के भाइयों को सबको जानकारी है कि कुछ दिन पहले अभी एक पुजारी ने एक बंदर को मार दिया, उसको तुरंत उस पर सजा हो गई, लेकिन यहाँ तो 20,000 गौवंशों को भूख प्यास से तड़पा तड़पा कर मार दिया और हिस्ट पुष्ट गायों को गौ कसी कर गौ तस्करों को बेच दिया गया। अभी तक प्रशासन इसमें इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाया? तो हमारा केवल और तमाम ऐसे इनके मुद्दे हैं जो मैंने ज्ञापन में महोदय जिलाधिकारी महोदय को दिए हैं, इनके भ्रष्टाचार के जो अभी तक ये 20 सालों से करते आ रहे हैं, नगर पालिका का भ्रष्टाचार, पब्लिक को धोखा दे रहे हैं,
इसी संबंध में हमने आज ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन में हमने ये भी स्पष्ट मऊरानीपुर की आज कोविड-19 के 144 धारा लगने के कारण हम लोग यहाँ भीड़ भाड़ से नहीं आए हैं, इसलिए हम कोविड का पूरा नियमों का पालन करते 8 लोग ही ज्ञापन देने के लिए आए हैं। लेकिन मऊरानीपुर के हर घर में हर व्यक्ति आक्रोशित है इस प्रकरण को लेकर, और अब ये प्रकरण और ये मामला अब रौद्र रूप लेने के कगार पे है। अगर अब जल्दी से इसकी अगर कार्रवाई इस विषय पे नहीं की गई दोषियों के खिलाफ, तो हम लोग जल्दी ही कोविड की गाइडलाइन खत्म होने के बाद एक विशाल जन आंदोलन, जन प्रदर्शन या अमरण अनशन पर तैयारी करने के लिए बैठेंगे। और एक बात और मैं आप मीडिया कर्मियों से, भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ प्रशासन से, कि ये जो जिनके मैंने नाम लिए हैं, डॉक्टर रश्मि आर के पति उर्फ पप्पू सेठ, जयप्रकाश आर उर्फ पप्पू सेठ, हरीश चंद आर जो वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष हैं, और उनके भाई हेमंत सेठ जो नगर जिला पंचायत सदस्य हैं, ये लोग हिस्ट्री सीटर हैं। इनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे इन लोगों पर दर्ज हैं। इनके खिलाफ इतना खौफ है इनका कि मऊरानीपुर में कोई इनके खिलाफ आवाज़ तक नहीं उठा पाता है। तो इनसे मेरे साथ अभी कई दिनों से कुछ ऐसे प्रकरण हो रहे हैं कि कहीं मेरा पीछा किया जाता है, कहीं मेरी गाड़ी को रोकने के प्रयास किया जाता है, कई ऐसे मेरे घर पर नज़र रखी जाती है, लोगों से मुझे कुछ सूचना मिलती है कि मेरी जान को खतरा है। तो मैं प्रशासन से ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे परिवार की सुरक्षा की जाए इन अपराधियों से, और अगर मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना घटती है तो उसका पूर्ण जिम्मेदारी इनका परिवार होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लेटेस्ट न्यूज की वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।